अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ अंडों की और कस्टर्ड की पुडिंग। बिल्कुल आसान तरीके से और झटपट बनने वाली, ज़्यादा इस पुडिंग का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत जल्दी बनाने के तरीके से इंशाल्लाह मैं बताऊँगी। इसके लिए मैं ली हूँ 6 अंडे और ये दूध ली हूँ 2 लीटर से कम, थोड़ा सा कम, और 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और 5 टेबलस्पून शक्कर और वेनिला एसेंस। अगर वेनिला एसेंस आपके पास नहीं है या डालना नहीं चाह रहे तो इलायची, 5-6 इलायची को पाउडर बना के बारीक वो भी डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून शक्कर, कैरेमल बनाने के लिए मैं अलग से शक्कर ली 2 टेबलस्पून। मैं कैरेमल बनाने के लिए एक पैन रख दिया और पैन गर्म हो गया। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून वाटर ऐड करेंगे। जल्दी पक जाती शक्कर, फ्लेम को धीमा करके अब उसको हिलाते हुए पकाएंगे। धीमे फ्लेम पर मिलाते हुए इसको पकाते जाएंगे। चलिए कैरेमल तैयार हो गए। जो ये शक्कर के फ्लेम को मैं बंद कर दी, जो थोड़े बहुत शक्कर के जो पीसेस दिख रहे हैं वो ये जो पैन गरम है वो हीट में पक जाते हैं। ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा डार्क करें तो इसमें कड़वापन कसालापन आ जाता है। लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्लेम को बंद करके निकाल लेंगे। इसको राउंड गोल फिराते हुए लेवल करते जाएंगे। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए मैं 2 बॉल ली बड़े साइज के, एक में अंडे डालेंगे। चलिए सारे अंडे डाल दिए, अब इसमें शक्कर डाल देंगे। अंडे और शक्कर डाल के इसको फेंट लेंगे। फोक की मदद से अच्छा फेंटे जाते हैं, विक्स से ज़्यादा इससे अच्छा फेंटे जा रहे हैं। अच्छे से इसको फेंट लेंगे। चलिए इसको अच्छा फेंटना और शक्कर भी इसमें घुल जाना, डिजॉल्व हो जाना शक्कर, इतना इसको फेंटना। अभी दूसरे कटोरे में हम डालेंगे कस्टर्ड और दूध को मिक्स कर लेंगे, लेकिन पूरा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, पहले इसको मिक्स कर लेंगे, घुला लेंगे इसको। ये कस्टर्ड दूध में अच्छा डिजॉल्व हो जाना, इस तरह इसको मिला लेंगे। अगर दूध एकदम कस्टर्ड में डालते तो ऊपर पूरे लम्स बन जाते हैं। चलिए इसको मैं अच्छे से मिला लिया, अब दूध डाल देंगे। सारी चीज़ों को एक जगह कर देंगे। ये कटोरा बस नहीं होता दूध और कस्टर्ड डालने के बाद, इसलिए मैं बड़ा कटोरा ली। अब खुले बर्तन में डाल दिए, अब एक बार फिर इसको विस्क की मदद से फेंट लेंगे। देखिए इसको इस तरह से फेंटना कि इसमें झाग आना शुरू हो। चलिए इसमें अच्छे से छान लगे, अब इसमें दूध और कस्टर्ड जो अलग रखे थे वो मिला लेंगे और इसमें डालेंगे हाफ। सॉरी मैं स्टार्टिंग में आपको रेसबेरी का कलर बता दी, रेड कलर, ये वेनिला है। अब इसमें डालेंगे वेनिला 1/2 टीस्पून। अगर आप वनीला नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं इसके बदले। अब जिस बर्तन में कैरेमल बनाए थे उसी में ये सारे चीज़ें जो एक जगह मिक्स कर दी वो डाल देंगे। एक कुकर में मैं पानी रखी और पानी बॉईल होने के बाद रखेंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें एक स्टैंड डाल देंगे।
पानी इतना डालना जितना कि स्टैंड डूब के थोड़ा सा ऊपर आना, एक आधा इंच। अगर स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी टिफिन का ढक्कन या कुछ भी रख सकते हैं। फ्लेम को तेज रखेंगे, दो से तीन सीटी होने के बाद धीमे फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलिए 3 सीटी हो गए और फ्लेम को मैं धीमा करके 10 मिनट धीमे फ्लेम पे रखी और 10 मिनट हो गए, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका जो प्रेशर है इसको खुद से रिलीज होने देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। चलिए 10 मिनट धीमे पे रखने के बाद मैं प्रेशर को खुद से रिलीज होने दी, प्रेशर रिलीज होने के बाद इसको निकाल के चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी और जरी देर में। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको नॉर्मल होने देंगे। ये नॉर्मल होने के बाद इसको फ्रिज में 1 घंटा रखने के बाद मैं आपको बताऊंगी। ये ठंडा हो गया, 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखी थी। इसको प्लेट में निकालेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। इसका कैरेमल जब बनाते तो लाइट कलर में बनाना, और अगर डार्क हो गया तो थोड़ा कसालापना कड़वापना आता। मैं इसको कट करके बताती हूँ। ये बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी बना और 10 मिनट में 3 चीज सीटी होने का 10 मिनट धीमे पर रख के मैं इसकी स्टीम को खुद से रिलीज होने दी। 1 घंटे में ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, और 2-3 घंटे करीब रखे तो ज़्यादा ठंडा होता और टेस्टी होता। ये मैं सेट होने के लिए 1 घंटा रखी। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। बच्चे बहुत शौक से खाते, ये आप बच्चों को बना के दे सकते, कोई पार्टी वार्टी छोटी मोटी जो घर में रहती या बच्चों को हॉलीडे रहती जब बना के आप दे सकते। ये बहुत हेल्थी भी ये रेसिपी है। चलिए मेरी पुडिंग की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और यही तरीक़े से आप बनाइए।